बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया से जायके की दुनिया में एक छोटा सा नाम। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एबटाबाद के बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पार्क में, जहाँ जिसका नाम है हरनोई। हरनोई कह रहे हैं लेकिन मैंने लिखा हुआ यहाँ पे हरनो देखा है, लेकिन यहाँ पे सब इसे हरनोई कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी आपको हरनोई बता दूँ। तो जी ये देखें, यह खूबसूरत वादियों के बीच में ये खूबसूरत से देखें ये झील इन्होंने बनाई है। ये एक चश्मा है जो मुसलसल बह रहा है यहाँ से, और बच्चे देखें कितने खुश हैं। यहाँ पर इन्होंने चारपाई वगैरह डाल के रखी हुई है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पे झूले भी हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। ये भी मैं आपको बहुत करीब से करके दिखाऊंगी जब मैं इस तरफ जाऊंगी। अभी मैं देखिए इस तरफ खड़ी हूँ और आपको मैं यहाँ लेके चलती हूँ झूलों की साइड। ये आप मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं झूले, तो मैं आपको पहले ये झूलों की सैर कराती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ झूलों की साइड पर ले आई हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे देख सकते हैं झूले भी हैं और खूबसूरत जगहें भी हैं, जो मैं आपको बहुत ही आराम से और हल्के हल्के दिखा रही हूँ, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकें। और आप जब भी यहाँ पे घूमने आएँ तो आप इन चीज़ों को देख सकें, आपको याद हो कि हाँ हमने ये वीडियो में देखी थी। फ्लावर्स आप देख सकते हैं, गुलाब के फूल, ये देखिए गुलाब के फूल। और मैं आपको फिर से देखो पहाड़ों के दरमियान में ये खूबसूरत सी जगह है। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको और कुछ दिखाती हूँ। चलिए जी, देखिए झूलों की साइड से मैं आ गई हूँ बाहर। मैं आपको यहाँ बैक साइड पे दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप मज़ीद, ये गुट्टे वाले, गोलेकंडा वाला और सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, और जो आपको दिल चाहे। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको लेके चलती हूँ इस ब्रिज पर से। ये कितना खूबसूरत बनाया मैंने, देखिए ये टेम्परेरी सा है, जिसके यहाँ पे भी बहुत सारी पब्लिक है और इधर भी आप देखें तो बहुत सारी पब्लिक आपको देखेगी। ये देखिए बहुत ही देखिए ज़बरदस्त, ये बच्चे एंजॉय करते हुए यहाँ पर। चलिए ये देखिए मज़ीद मैं आपको दिखाऊं तो ये एक स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने बड़ों का स्विमिंग पूल बनाया और बच्चों का स्विमिंग पूल बनाया है। और मज़ीद मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए जी, ये देखिए ये है बिल्कुल छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें छोटे छोटे से बच्चे मज़ेदार सा एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद आपको आगे लेके चलती हूँ और आगे बताती हूँ। और ये देखिए ये झूले भी हैं यहाँ पर, और मैं आपको फिर से दिखाऊँगी अभी मज़ीद और चीज़ें। ये देखिए बच्चों के साथ फैमिलियाँ किस कदर इंजॉय कर रही हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद इसकी खूबसूरती आपको दिखाती रहूँगी, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए जी देखिए, अब मैं आपको फिर से लेकर आ गई हूँ यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो देख सकते हैं आप फैमिलियों का रश किस कदर बढ़ता जा रहा है। आप जब भी अपनी फैमिली को लेकर आएँ, छुट्टियाँ हैं तो यहाँ पर ज़रूर एबटाबाद में लेकर आइएगा। इतनी खूबसूरत जगह को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इसी तरीके की आपको मज़ीद और खूबसूरत खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाती रहूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।